फिल्म थी जो मैंने की, चना जोर गरम और जो राधे है, दोनों फिल्मों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा उनको, और ये चाहूँगा कि दोनों फिल्में बहुत अच्छा करें और भोजपुरी में एक बहुत ही अच्छी प्रोड्यूसर हम लोगों को मिलने वाली है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए और उनका आभार। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर रितेश जी, रितेश जी बेसिकली जो भोजपुरिया होती है फिल्में वैसी एकदम सेम वैसी बनाते हैं फिल्म, जो लोगों की टेस्ट है हमारे बिहार की यूपी की वो उनको बखूबी पता है, और जो फिल्में जो गाने गानों का जो उनका सेंस है वो एकदम खाटी भोजपुरी जो होती है वो है, तो मैं बिल्कुल मैं मुझे पता है कि जो गाने हैं दोनों फिल्मों के वो लोगों को बिल्कुल बहुत पसंद आएंगे। आपके किरदार की बात की जाए तो कौन सी फिल्में आप बताना चाहिए? चना जोर गरम में जो मेरा किरदार है वो एक टपोरी का है जो एक तरफा प्यार करता है हीरोइन से, तो ये किरदार है, मैंने पहली बार एक टपोरी का किरदार प्ले किया है, तो करने में बहुत मज़ा आया, रितेश जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और प्रोडक्शन भी वैल्यू आपको दिखेगी, बहुत अच्छी फिल्म बनी है तो ज़रूर देखिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम भोजपुरिया भैया लोग हम प्रमोद प्रेम यादव प्रणाम करते नहीं, आज हमने ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च होने वाला बा, हाँ मैंने हो गई बा आज हम आदित्य भाई और बड़े भैया रितेश ठाकुर जी के जिनका डायरेक्शन बा, लेकिन फिल्म बहुत ही अच्छा बा। बिल्कुल आपके किरदार का प्रमोद जी के साथ भी काम करके बहुत मजा आए, बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत जबरदस्त एक्टर बना, भैया भाइयों के साथ बहुत अच्छा हमारा लगा, बहुत अच्छा ट्यूनिंग बम सिंह के पिक्चर में वो केमिस्ट्री जो दो को हीरो के बीच में बहुत कम देखे के मिलेला वो देखे के मिली रोवा लोग के, सिंगर से एक्टर बनने वाली परंपरा के आगे बढ़ा रहा माने ना ना, लेकिन ये अपना जगह पे बटे, बट ऑन सेट बहुत जबरदस्त एक्टिंग के लिए, वरना इसे बिल्कुल ना लगी कि कोनो सिंगर जैसे है, एज एन एक्टर बिल्कुल पता नहीं पड़ता, पर बहुत अच्छा बात भाई अब दे रोवा लोग कहे के चाहिए कि एक को डायलॉग हो जाए, हीरो बिल्कुल